हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा हैक जो कि मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ अपने बालों पे डैंड्रफ को दूर रखने के लिए एंड फ्लेकीनेस को दूर रखने के लिए, क्योंकि आई नो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फ्लेकीनेस के कारण आपको सर खुजाना पड़ता है, कई बार इतना ज्यादा खुजाना पड़ता है कि आप परेशान हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक छोटा सा हैक बताने वाला हूँ जो कि पहले दिन में और पहले वॉश से आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा के ऑल क्लिक क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपको इस हैक को शुरू करने से पहले एक नींबू लेना है और एक बोल लेना है। नींबू को आपको बीज से काट लेना है और हमेशा याद रखना है कि नींबू के बीज आप पहले ही निकाल लीजिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत होगी। जो आधा कटा हुआ नींबू है उसको अच्छे से निचोड़ के आपको बॉल में उसका जो रस है वो इकट्ठा कर लेना है। नाउ द स्टेप टू इज कि आपको इसमें अपना शैम्पू मिलाना है। अब आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ नॉन कमर्जेनिक शैम्पूज आते हैं जिसमें पैराबेन एंड सल्फेट नहीं होता, तो वो वाले शैम्पूज आप इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए मैंने कुछ अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज लिंक डाउन करे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं उन्हें। इसी के साथ ही थोड़ा सा आपको शैम्पू लेना है, आपको उसमें पोर कर लेना है। नाउ आपको इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करना है। अब मिक्सिंग के लिए आप अपने फिंगर्स को भी यूज कर सकते हैं या फिर चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इन माई केस आई एम यूजिंग माई फिंगर। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि आप बी रोल में देख पा रहे होंगे कि अच्छे से ये जो मिक्सचर है अब बन चुका है। ऑल यू नीड टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर मिक्सचर ऑन योर हेयर। अब आपको क्या काम करना है कि जैसे आप नहाते हैं और नहाते टाइम जब आप शैम्पू करते हैं, सेम प्रोसेस इस वाले मिक्सचर के साथ आपको करना है। आप जब नहा रहे होंगे तो आपको ये वाला मिक्सचर अपने बालों पे लगाना है एंड दैट्स इट, यू गुड टू गो। 2 से 3 मिनट हद से आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो नींबू है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो काफी अच्छा एक्सफोलिएट कर देगा आपके स्कैल्प से जो इतनी भी गंदगी है, जितनी भी पपड़ी है उसे निकाल देगा। इसके बाद जब आप नहा लेंगे अपने बालों को सुखाने के बाद, आपको सिंपली क्या काम करना है, अपने बालों पर ड्रायर नहीं मारना एकदम से, अपने बालों को गीला ही छोड़ना है। एंड इसके बाद आपको जो आधा और कटा हुआ जो लेमन है उसको एक और बॉल में लेना है और उसमें हल्का सा पानी मिला देना है, जैसे मैं मिला रहा हूँ। नाउ अपने फिंगर टिप से आपको ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है अपने रूट्स पे लगाना है, स्पेशली जहाँ पे आपके डैंड्रफ है या फिर जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खुजली होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्राउन एरिया में खुजली होती है, तो जैसे मैं लगा रहा हूँ डेमोस्ट्रेट करके, यहाँ पे देखिए जैसे बी रोल में आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको यूज करना है। एंड ये 15 दिन में आपको एक बार ही यूज करना है। रिमेंबर, अगर आप बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे तो आपको फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, बिकॉज विटामिन सी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएंट के साथ साथ आपकी पपड़ी के साथ साथ आपके रेडनेस एंड ड्राइनेस भी कर सकता है अगर आप इसे ओवर यूज करेंगे। सो मेक श्योर करें कि 15 दिन में सिर्फ एक बार यूज करें और आपको पहले ही दिन से आराम देखने को मिलेगा और काफी कमाल का ये काम करता है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किन लोगों को ये पर्टिकुलर जो हैक है वो यूज नहीं करना। भाई वो लोग जिनके बाल टूट रहे हैं एंड उनको डैंड्रफ भी है, वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें। और वो लोग जिनके जो बाल है बहुत ज्यादा पतले हैं, इतने ज्यादा पतले हैं कि कुछ भी लगाते हैं वो एकदम से टूट जाते हैं, प्लीज अवॉइड करें इस हैक को। मैं उन बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके बाल बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी स्टेट में है, लेकिन थोड़े बहुत उनके डैंड्रफ हो जाता है या फ्लेकीनेस हो जाती है जिसकी वजह से उनको सर में खुजली होती है, या फिर वो लोग जो मिनोक्सिडिल या फिनास्ट्राइड खाते हैं तो उसके लिए वजह से भी आपको सर में बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो आप लोग इस हैक को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड पहले दिन से आपको फर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसने आपके लिए काम करा या नहीं करा। इट मे एंड मे नॉट वर्क फॉर यू, बट ट्रस्ट मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर डैंड्रफ। इसी के साथ ही मैंने आप लोग के लिए कुछ अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपने डैंड्रफ को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं। और अगर आपको ये हैक पसंद आया तो गिव अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू द कम्युनिटी एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।